देश में भले ही वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया हो, लेकिन शहडोल के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। जी हां, शासन के द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत लोगों को वैक्सीन का सेकेंड डोज लगाया जा रहा है, लेकिन शहडोल के स्वास्थ्य विभाग ने मृतक को ही वैक्सीन का सेकेंड डोज लगा दिया। इसके साथ ही जो लोग जीवित है उन्हें भी बिना सेकेंड डोज लगे वैक्सीनेटेड का मैसेज आ गया। फिलहाल ये महाअभियान में स्वास्थ्य विभाग की महा लापरवाही प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल या निशान खड़े कर रही है। यह हम नहीं बल्कि प्रशासन के आंकड़े बोल रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। महाअभियान में महा लापरवाही, जिंदा व्यक्ति को नहीं लगा सेकंड डोज, मुर्दे को स्वास्थ्य विभाग ने कर दिया वैक्सीनेटेड, आंकड़े बढ़ाने के चक्कर में की गड़बड़ी, बिना सेकंड डोज लगे मिल गया सर्टिफिकेट। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, शहडोल में इंसान के साथ साथ मृतकों का भी अधिकारियों द्वारा वैक्सीनेशन किया गया है। ये हम नहीं बल्कि प्रशासन के आंकड़े बोल रहे हैं। टीकाकरण के आंकड़ों की पोल खोलती तस्वीर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से सामने आई, जहां आंकड़े बढ़ाने के फेर में मृतकों को कोविड का टीका लगा दिया गया। इतना ही नहीं, जिले में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड का दूसरा डोज नहीं लगवाया और उन्हें दूसरे डोज लगने का मैसेज प्राप्त हो गया। मुझे कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी 14 सितंबर को, जो कि मुझे 13 दिसंबर को लगनी थी। मुझे बिना वैक्सीन लगी मेरे में सर्टिफिकेट आ चुका है कि मुझे सेकंड डोज लग चुकी है। मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन भी करी थी, जिसके द्वारा उसने बिना बात सुने मेरा फोन काट दिया गया था। अब मैं चिंता पे हूँ कि मुझे वैक्सीन लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे बिना लगे ही वैक्सीन के डोज का सर्टिफिकेट आ चुका है। ऐसे मेरे 3-4 दोस्त लोग भी साथ भी यही हुआ है, और भी लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लगी नहीं है फिर भी उनके मैसेज आ चुके कि उनको लग चुकी है। कुछ लोग तो डेथ हो चुकी है उनके, फिर भी उनके पास मैसेज आया कि उनको वैक्सीन लग चुकी है। अब सवाल ये है कि कोविड का दूसरा डोज लगवाया नहीं तो प्रशासन के रिकॉर्ड में उनका टीकाकरण कैसे हो गया। अब ये लोग इस बात को लेकर परेशान है कि जब निर्धारित समय में टीका लगवाना पड़ेगा तो उन्हें टीका लगेगा या नहीं। इतना ही नहीं, जिला मुख्यालय के धनपुरी वार्ड 15 निवासी मेडिकल स्टोर संचालक की पत्नी निर्जा गुप्ता को कोविड वैक्सीन नहीं लगी और दूसरा डोज कंप्लीट होने का मैसेज प्राप्त हो गया। इसी तरह कई ग्रामीण हैं जिन्हें कोविड वैक्सीन लगने का मैसेज पहुंच गया है। मैंने लॉकडाउन के टाइम में फर्स्ट डोज लगवाई थी और अभी उसके बाद 3 महीना होने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिस कारण मैं सेकेंड डोज नहीं लगवा पाया था। और अभी 3-4 दिन पहले मेरे में मैसेज आया कि आपका सेकंड डोज सक्सेसफुल हो गया, जो कि मैंने अभी तक सेकंड डोज ली नहीं है। शहडोल जिला मुख्यालय के सौंखी मोहल्ला निवासी प्रेमलाल चौरसिया को मार्च में पहला डोज लगा था। 15 अप्रैल 2021 में कोविड संक्रमण की वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन 10 नवंबर को दूसरा डोज पूरा होने का परिजनों के मोबाइल पर संदेश प्राप्त हुआ है। 25 मार्च को पहली वैक्सीन डोज लगी थी। 25 मार्च को डोज लगने के बाद उनका 15 अप्रैल को कोविड की वजह से उनका देहांत हो गया है, लेकिन अभी 10 तारीख को फिर एक मैसेज आया है कोविड उसका वैक्सीनेशन कंप्लीटेड का, सेकंड डोज का 10 तारीख का। और मैं इसलिए उसमें हैरान हूँ कि अभी तक मतलब ये उनके ना रहने पर भी ये डोज कंप्लीट कैसे हो गया। हाँ, सर्टिफिकेट भी है। पिताजी का नाम क्या था? प्रेमलाल चौरसिया। पूरे मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी मेघ सिंह सागर के मुताबिक पोर्टल में दिक्कत के चलते गड़बड़ी हुई, मोबाइल नंबर गलती से फीड हो गया, इसकी जांच की जाएगी। एक हाथ प्रकरण वो मेरे संज्ञान में आ गए हैं। उसमें कई बार क्या होता है, मोबाइल नंबर या आधार नंबर अगर एक भी डिजिट गलत हो गया तो फिर वो हो जाता है, तो उसको संज्ञान में ले लिया हम लोगों ने। यहाँ आज के लिए 38 शहर का टारगेट फिक्स किया है राज्य स्तर से। वर्तमान में सभी जगह अच्छा वैक्सीनेशन चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि हम टारगेट को प्राप्त कर लें। गौरतलब है कि कोरोना के शुरुआती दिनों को अगर याद करें तो आज भी रूह कांप जाती है। राहत और बचाव के लिए सरकार द्वारा शुरुआती दिनों से बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जागरूकता का संदेश देने वाले अधिकारी कर्मचारियों ने महाअभियान में क्या आंकड़ा बढ़ाने के लिए मृतक व्यक्ति को भी वैक्सीनेटेड कर दिया। फिलहाल ये तो मामले की जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।